बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलाम अलैका रसूलल्लाह। हम इस वक्त सवात कलाम से हम इस वक्त जो है वो माउडन झील की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमारे एक साहब ने हमें कोई दावत दी है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद आप देखें। इसका ये सारा काम, ये दियार लकड़ी है, ये आप दरवाज़ा दिखा रहे हैं आपको, ये मुकम्मल आप देख रहे हैं माशाल्लाह। और ज़रा पीछे से इलाका भी दिखाएं थोड़ा सा। ये Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुदरती चश्मा है, ये कोई मोटर नहीं है, कोई पानी नहीं। आप अंदर है, मैं आपको अंदर कुछ और दिखा सकूँ। ये माशाल्लाह ये सारा पानी कुदरती है, ये चश्मे का ठंडा ठार पानी। मलंग यमा मलंग मेरे दरबार का होगा पैगंबरा मखादिम फेजार का। इंशाल्लाह आप कुछ और जगह दिखाते हैं। ये देखें नाजरीन, ये जितने भी आपको रैक नजर आ रहे हैं, ये सारे रैक जो हैं ये दियार लकड़ के बने हुए हैं, यानी ये लाखों में काम है, लाखों में। दियार हमारे यहाँ पंजाब में तो मिलता ही नहीं है ना, और ये तो किस्मत वाले को। लेकिन ये देखें यहाँ पर जूते रखने वाले जो रैक हैं, ये भी दियार के बने हुए हैं। ये देखें अभी अंदर है मस्जिद में माशाल्लाह ताला। ये देखें कैसी है निशान मस्जिद है। इस वक्त आप ये मस्जिद को मुलाहिजा करें, पूरी मस्जिद आप दूर से देखें। श्याम सगर साणमा सादी दन जुवाणमा, श्याम सगर साणमा सादी दन जुवाणमा। मालका बिलल गुते मालका बिलल गुते पुजड़ मदी बीमार का तालिबी। बहुत खूबसूरत काम हुआ माशाल्लाह ताला, कितनी प्यारी मस्जिद है। अभी आप आइए इसी मस्जिद के, हम अभी दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं। आइए आपको ये दिखाते हैं ये कैसी जगह है। माशाल्लाह इस वक्त हम दूसरी मंजिल पे आ चुके हैं, और ये हमारा नूरी कारवान सारे का सारा यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। ये मुकम्मल, ये जितना आपको छत नजर आ रहा है, ये गालिबन कमो पेश एक किनाल है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे का सारा जो है ये दियार लगा हुआ है माशाल्लाह ताला। यहाँ पर मेरे दरबार का होगा पैगंबर मखादिम फेजार का। काल्प काल हजान दर्जी ताला आशिकान दर्जी, काल्प काल हजान दर्जी ताला आशिकान दर्जी। ताजल में मुलगर वर सराप दगलार का, साल गसल हो जा जो आशिक आते हैं दर पे तेरे, साल हसल हो जा जो। नाजरीन अब आखिरी बात यह है कि इस बात का लुबे लुबाब ये कि माशाल्लाह इतनी प्यारी मस्जिद आपने देखी। ये रास्ता ये पहाड़ियों के अंदर के यहाँ पर किसी चीज़ का पहुँचने बज़ाहिर मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे ऐसे में इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाना, इतना खूबसूरत निज़ाम करना, ये अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों में से अपने खास बंदों को चुना हुआ होता है। तो इस वक्त माशाल्लाह आप ये देख रहे हैं ये जितना भी खर्चा हुआ ये अल्लाह के बंदों ने किया। तो आपसे भी गुजारिश है अपने अपने इलाकों में अपनी मस्जिद पर तवज्जो फरमाएँ, अपने अहले सुन्नत के मदारिस पर तवज्जो फरमाएँ। आप इंशाल्लाह यहाँ खर्च करेंगे ना, ये क़यामत तक आपको सवाब मिलता रहेगा, ये सवाब ख़त्म होने वाला नहीं है। अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र कबूल फरमाए, और हमारे साथ जितने ही कारवान वाले अहबाब अल्लाह करीम सब